मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू आर से एच यू हैव केमिस्ट्री ऑनलाइन क्लास। तो स्टूडेंट, लास्ट टाइम पे हम बात कर रहे थे आधुनिक आवर्त सारणी की, और आधुनिक आवर्त सारणी का हमने विस्तार से अध्ययन किया। कुल तत्व 112 थे। 112 तत्वों में हमारे पास में 88 जो तत्व हैं वो धातु होते हैं, 17 जो तत्व होते हैं वो अधातु होते हैं, बच गए जो 7 तत्व होते हैं स्टूडेंट वो हमारे पास में क्या होते हैं, उपधातु होते हैं। साथ के साथ आवर्त सारणी में तत्वों को उनके आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को उनके परमाणु क्रमांक के आधार पर व्यवस्थित किया गया, और इन तत्वों को 4 ब्लॉक में व्यवस्थित किया गया, एस पी डी एफ ब्लॉक जो थे। ठीक है स्टूडेंट, एस और पी ब्लॉक कहा गया था सामान्य प्रतिनिधि तत्व, डी ब्लॉक कहा गया था संक्रमण तत्व, और एफ ब्लॉक के तत्वों कहा गया था अंत संक्रमण तत्व। आवर्त सारणी में जो गैस तत्व होते हैं स्टूडेंट होते हैं 11, द्रव तत्व जो होते हैं 6, और बाकी जो तत्व बच गए वो होते हैं ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। वर्ग जो फर्स्ट है उसको क्षार्य धातु वर्ग कहा जाता है, वर्ग सेकंड को क्षार्य मृदा धातु वर्ग कहा जाता है स्टूडेंट। इस प्रकार से हमने आधुनिक आवर्त सारणी में बात की थी। आज हम बात करेंगे कि 100 नंबर से अधिक, 100 से अधिक परमाणु क्रमांक वाले तत्वों का नामकरण कैसे करते हैं। तो स्टूडेंट देखते हैं, सौ से अधिक परमाणु क्रमांक वाले तत्वों का नामकरण, कि 100 से अधिक जो परमाणु क्रमांक तत्व रखते हैं उनका नामकरण हम कैसे करेंगे। तो स्टूडेंट, नामकरण बहुत ही इजी है, ज़्यादा ऐसा कुछ हार्ड है नहीं। हम एक टेबल बनाते हैं और टेबल से हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। स्टूडेंट यहाँ पर देखना, अगर आपके पास में 0 नंबर आता है, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ संख्या और यहाँ पर लिखूंगा उसका नाम। अगर स्टूडेंट आपके पास में 0 नंबर आता है, 1, 2, 3, 4 ये नंबर है स्टूडेंट, और इनका जो नाम होगा इसको बोलेंगे स्टूडेंट निल, NIL, इसको बोलेंगे अन, इसको बोलेंगे बाई, इसको बोलेंगे ट्राई, इसको बोलेंगे क्वेड, इसको बोलेंगे पैन, इसको बोलेंगे हेक्स, इसको बोलेंगे सेप्ट, इसको बोलेंगे ओक्टा या ओक्ट भी बोल सकते हैं, ठीक है, और इसको बोलेंगे ईन। स्टूडेंट हमें ये याद करना है, जब 100 से अधिक है जो तत्व होंगे परमाणु क्रमांक वाले उनका नामकरण हम कैसे करेंगे। तो स्टूडेंट इसमें हमें 0 को बोलेंगे नील, 1 को बोलेंगे अन, 2 को बोलेंगे बाई, 3 को बोलेंगे ट्राई, क्वैड, पैन, हैक, सेप, ओ, इन। जब 100 से अधिक तत्वों का, 100 से अधिक परमाणु क्रमांक वाले तत्वों का नामकरण किया जाता है तो उनके नाम के पीछे ईएम लगा दिया जाता है। तो यहाँ पर स्टूडेंट नाम के पीछे जो आएगा, नाम के पीछे IUM ईएम अनुलगन लगा देते हैं। जैसे हम इसके एग्जांपल्स करते हैं, इसका जो उदाहरण है हम बोलेंगे कि परमाणु क्रमांक वाला 101 वाला जो तत्व है उसका नाम कैसे लिखेंगे। परमाणु क्रमांक 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112। तो स्टूडेंट हम सिर्फ 112 तक के तत्वों की बात कर रहे हैं, क्योंकि हम फिलहाल 112 तत्वों के बारे में ही पढ़ रहे हैं। तो हम बात करते हैं, अगर हमें परमाणु क्रमांक 101 वाले तत्वों का अगर नामकरण करना है तो हम इसका नामकरण कैसे करें। तो हमने 1 को क्या बोला था, अन, 0 को हमने क्या बोला, नील, और 1 को हमने क्या बोला, अन, और नाम के पीछे क्या लगा देंगे, ई एम। तो स्टूडेंट इसका नाम क्या होगा, अन
नील अन्य यम। वापस देखो स्टूडेंट, इसका नाम क्या होगा? एक को तो हम बोलेंगे अन, जीरो जो होगा उसको बोलेंगे नील, तो ये तो हो गया अन, ये हो गया नील, फिर वापस एक आ रहा है, फिर क्या बोलेंगे अन, और नाम के पीछे क्या लगा देंगे ई एम, ये लगा देंगे। इसका नाम क्या हो जाएगा? अन्न नील अन्न ई एम। इसको हमें जब बोलें कि शॉर्टकट में जो बोलते हैं इसको बोलेंगे यू एन यू, ठीक है। अब विद्यार्थी आगे ध्यान दें, 102 नंबर का जो परमाणु क्रमांक है इनका नामकरण क्या होगा? एक को हम क्या बोलेंगे अन, जीरो को बोलेंगे नील, दो को बोलेंगे बाई, और नाम पीछे क्या जाएगा ई एम। इसका हम शॉर्टकट का जो नाम बोलेंगे ये हो जाएगा यू एम बी, ठीक है। अब बात करते हैं 103, इसको कैसे लिखोगे? एक को क्या बोलोगे स्टूडेंट? एक को बोलोगे आप अन, जीरो को बोलोगे नील, और तीन को क्या बोलोगे ट्राई, क्या बोलोगे ट्राई, और नाम पीछे क्या जाएगा ई एम, ठीक है स्टूडेंट। ये इसका नाम हो जाएगा और इसको लिखेंगे यू एन टी। परमाणु क्रमांक 104, एक को लिखेंगे अन, जीरो को लिखेंगे हम नील, फोर को लिखेंगे क्वेड, और नाम पीछे क्या लगा देंगे ई एम, इसको लिखेंगे यू एन क्यू, ठीक है। अब बात करते हैं परमाणु क्रमांक 105 की। 105 और परमाणु क्रमांक वाला जो तत्व है विद्यार्थियों, उसका नामकरण क्या क्या होगा? एक को हम क्या बोलेंगे बोलो अन, जीरो को हम क्या बोलेंगे नील, फाइव को हम क्या बोलेंगे पेंट, और नाम पीछे क्या जाएगा ई एम। इसका अगर शॉर्टकट में बोले यू एन पी, ठीक है। अब बात करते हैं परमाणु क्रमांक 106 वाला तत्व, इसका हम नामकरण कैसे करेंगे? यहाँ पर एक दिया हुआ है, एक को बोलेंगे अन, जीरो को बोलेंगे नील, छः नंबर पे जो आता है उसको बोलते हैं हेक्स, और नाम के पीछे लगा देंगे ई एम। इसका नाम क्या हो जाएगा? यू एन एच, ठीक। अब आगे चलते हैं स्टूडेंट, बात करते हैं जो यहाँ पर परमाणु क्रमांक दिया गया है वो मान लो 107 है, ठीक है स्टूडेंट। इतनी हम बात कर चुके हैं 101, 102, 103, 104, 105, 106। अब स्टूडेंट 107 की बात करते हैं, इसका नाम कैसे रखोगे? देखो, एक को हम क्या बोलेंगे अन, जीरो को हम क्या बोलेंगे नील, और सेवन को हम क्या बोलेंगे सेप्ट बोलेंगे, नाम के पीछे हम क्या लगा देंगे ई एम लगा, ठीक है। तो क्या लिखेंगे इसको? अन नील सेप्ट ई एम, ठीक है। अब बात करते हैं 108, कैसे लिखोगे? एक नंबर क्या बोलोगे अन नील, आठ को बोलेंगे ओ, और नाम पीछे क्या जाएगा ई एम, इसको हम क्या बोलेंगे यू एन एस, इसको हम क्या बोलेंगे यू एन ओ, ठीक है विद्यार्थी, ठीक है बच्चों। अब बाद में बात करते हैं 109 की। अब 109 हमारे पास जो होंगे उसको बोलेंगे अन नील, और हमारे पास जो 9 नंबर पे आता है उसको बोलते हैं ईन बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको ईन बोलते हैं, तो ये क्या हो जाएगा ईन, और नाम के पीछे क्या जाएगा ई एम, इसका नाम क्या हो जाएगा यू एन ई, ठीक। अब आगे चलते हैं 110, एक को क्या बोलोगे अन, फिर क्या आएगा अन, फिर क्या आएगा नील, फिर क्या आएगा ई एम, इसको बोलेंगे यू यू एन, इसको क्या बोलोगे स्टूडेंट? एक को बोलोगे अन, फिर एक को बोलोगे अन, फिर एक को क्या बोलोगे अन, नाम पीछे क्या जाएगा ई एम, अन अन ई एम, यहाँ पर इसको बोल देंगे यू यू। और स्टूडेंट इसको हम क्या बोलेंगे 112 वाले को, एक को क्या बोलेंगे अन, फिर वापस एक आ रहा क्या बोलेंगे अन, दो को हम क्या बोलते हैं बाई, और क्या लगा देंगे नाम पीछे ई एम, तो इसका नाम हो जाएगा यू यू। जैसा कि मैंने अभी पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था आवर सारणी के बारे में, तो स्टूडेंट वहां पर जाके देखना, हमारे पास में जो परमाणु क्रमांक 104, 5, 6 वाले जो तत्व थे उनका नामकरण हमने ऐसे ही किया हुआ है, यू 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 पी यू यू एन टी यू एन क्यू यू एन पी यू एन एच, इस प्रकार से। तो विद्यार्थी वापस ध्यान देते हैं बच्चों कि परमाणु क्रमांक
क्या बोल रहा हूँ कि 100 से अधिक परमाणु क्रमांक रखने वाले तत्वों का नामकरण हम कैसे करेंगे। तो हमें सबसे पहले बच्चों ये टेबल याद होनी चाहिए कि जीरो को क्या बोलते हैं, एक को हमें क्या बोलते हैं, जीरो को बोलेंगे लीव, एक को बोलेंगे अन, बाई, ट्राई, क्वेड, पेंट, हेक्स, सेप्ट, ऑक्ट, इन, और नाम के पीछे हम क्या लगा देंगे, ईएम लगा देंगे। ठीक है बच्चों, अब आपको करना कुछ भी नहीं है, एक दो एग्जांपल आप अपने आप से खुद कर सकते हैं। अगर मान लो आपको एग्जांपल दिया जाए, उदाहरण दिया जाए कि 114, 118, 119 तत्व जो हैं इनका नामकरण करके बताएं, तो कैसे करोगे विद्यार्थी स्टूडेंट बच्चों, ये आपके पास में सामने टेबल दी गई है और नाम के पीछे क्या लगा दोगे, ईएम लगा दोगे। थैंक यू क्लास, बाकी बात करेंगे कल की क्लास में।